फिल्म द शेप ऑफ वाटर के डायरेक्टर गिलियर्मो डेल टोरो ने फिल्म बनाने की शुरुआत 2011 से ही कर दी थी। उन्हें इस फिल्म पर काम करने का आइडिया ब्रेकफास्ट करते वक्त आया था। पहले फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने का प्लान था, पर बजट की वजह से इसे कलर में शूट किया गया। दरअसल फिल्म मेकर्स इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना चाहते थे, पर इसके लिए लगभग $16.5 मिलियन लग रहे थे, जबकि कलर शूट के लिए लगभग $19.5 मिलियन लग रहे थे। गिलियर्मो ने इस फिल्म को बनाने के लिए खुद के $2 लाख खर्च किए हैं। स्टूडियो में शूटिंग शुरू करने से पहले ही गिलियर्मो ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म में दिखने वाले क्रिएचर की डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। फिल्म के अंत में फिल्म मेकर्स ने पूरी टीम का स्केच शो किया और एक स्क्रिप्ट की तरह स्केच को दिखाते वक्त उसके बारे में बताया भी। जब ये सब खत्म हुआ तो स्टूडियो में मौजूद एग्जीक्यूटिव्स की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, फिल्म का प्रोडक्शन किसी पहेली से कम नहीं है। दरअसल फिल्म में दिखाए गए एक्सीडेंट्स, तेज हवा का झोंका और सब जीरो टेम्परेचर ने फिल्म की शूटिंग को काफी कठिन बना दिया था। फिर भी फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेरा। फिल्म में पानी के अंदर रहने वाले जीव की एक्टिंग करने वाले डग जॉन्स ने गिलियर्मो की कई फिल्मों में काम किया है। डग ने गिलियर्मो की फिल्म मिमिक, क्रिम्सन पिक और हेलबॉय जैसी फिल्मों में काम किया है। फिल्म की अभिनेत्री सैली हॉकिंस से गिलियर्मो कभी नहीं मिले थे। एक बार गिलियर्मो अपने एक दोस्त के साथ आफ्टर पार्टी में गए थे। वहां उन्होंने जम के ड्रिंक कर ली और उनकी नजर उस पार्टी में हॉकिंस पर पड़ी। वो नशे की हालत में ही हॉकिंस के पीछे दौड़ गए और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। गिलियर्मो के मुताबिक अगर वो ड्रंक ना होते तो कभी भी उनसे पूछ न पाते। द शेप ऑफ वाटर फिल्म को किसी दूसरी फिल्म के मुकाबले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले थे। ये नॉमिनेशंस फिल्म को 2018 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में मिले थे। फिल्म ने न सिर्फ गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड बल्कि 2018 के कई अवार्ड शोज में अपना नाम रोशन किया। 2018 में जितने भी अवार्ड शो हुए हैं, लगभग हर अवार्ड फिल्म ने अपने नाम किया है। सभी अवार्ड्स में से सबसे ज्यादा यादगार अवार्ड फिल्म के लिए गोल्डन लायन अवार्ड है। ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मैक्सिकन डायरेक्टर ने ये अवार्ड जीता हो। तो ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।